हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी को मेरी तरफ से प्रणाम और आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। अभी मैं क्या कर रहा था, अभी मैं जस्ट अपना तैयारी तो ये ही कर रहा था, जैसे कि आपको पता है शॉप की। मेरे ये देखिए मोमोज वगैरह तैयार कर रहा था, ये देखिए इसमें भी हैं और मोमोज मेरे रेडी हो गए हैं हाफ। मैं क्या करता हूँ ना, हाफ इसको बॉईल करके लेके जाता हूँ, फिर हाफ दुकान पे जैसे कस्टमर आया उसको तो उसके बाद बॉईल कर रहा हूँ, स्टीम करके उसके बाद कस्टमर को दे दिया। और ये मेरे मंचूरियन वगैरह भी रेडी हो चुके हैं और एक्चुअली आज मेरे को बहुत सारे मंचूरियन फेंकने भी पड़े। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन की चीज़ यूज़ कर लूँ दुकान पर, ऐसा नहीं करता मैं। कस्टमर को अगर यह कोई चीज़ खिलानी, पैसे कमाने हैं जो भी है, बट ख़राब चीज़ नहीं खिलानी चाहिए। ये देख सकते हैं आप कितने सारे हैं, ये नाना करके भी ना कम से कम 200 रुपये की चीज़ है। और मैं इसको इसलिए फेंक रहा हूँ, मैंने कहा कि देखो वैसे भी जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह का सब है, तो सही चीज़ खिलाओ, भगवान भी ये कहेगा कि चलो अच्छी चीज़ तो खिला रहा है, ऐसा तो नहीं कि ख़राब चीज़ खिला रहा है। तो बहुत से दुकान वाले गलत चीज़ भी खिला देते हैं अपना पैसे कमाने के चक्कर में, 4-4 दिन चीज़ पुरानी पड़ी होती है वो खिला देते हैं। तो मैं ये बताना चाहता था कि मैं जो शॉप है मेरी, मैंने अब बर्गर भी वहाँ पर रख लिए हैं मैकडी वाले। तो कल गया था सामान सुन लेने, उसके रिलेटेड तावा तुवा लेके आया, और कल नहीं सॉरी परसों, हाँ कल तो मेरे वीडियो नहीं, परसों गया था सामान सुन लेके आया। और अभी थोड़ा काम कुम थोड़ा ढीला चल रहा है, बट चलेगा, क्योंकि अभी थोड़ा क्या है ना कि कुछ लोग जैसे इस टाइम में काम कुम रहता नहीं फैक्ट्री में, तो यहाँ पे लेबर वगैरह बहुत होती है, तो वो भी चली जाती है, जैसे गाँव गाँव चले जाते हैं। तो आएंगे, अभी धैर्य है दिल में, बस आपका साथ बना रहे। और मैं अभी चाय बनाया हूँ, बस चाय बना के पी के अभी आधा घंटा रह गया, आधे घंटे बाद फिर जाऊँगा शॉप खोलूँगा, 4:30 बजे तक मैं शॉप अपनी खोल देता हूँ। हमारी छमिया जी जी देखो ठीक आ रही है, फुल दिन मस्ती सोना है इनको, बस लो अंदर आ गई आज ये, अब इनको यहाँ सोएंगी। ऊपर का बस यही काम है, सोना है, उठना है, खाना है, फिर टॉयलेट जाना है, फिर आना है, फिर सोना है, फिर रात में क्या करना है, रात में उठना है। कई बार हम अंदर ही इसको सुला देते हैं, कई बार तो सो जाती है, कई बार नहीं सोती है, फिर बाद पूरी रात रात में भाव 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 बस यही करती रहती है। अजय देखो कंफी बिल्कुल कंफर्टेबल होके फिर सोती है। क्या हाल है, हैं क्या हाल है, ठीक हो? सो गाइस अभी मैं चाय पी लूं, और चाय पता है मैं भी अच्छी बनाता हूँ, बट मम्मी के हाथ की चाय की ना बात ही कुछ होता है। मम्मी बेस्ट चाय बनाती है, क्यों? क्योंकि उसमें होता है प्यार, प्यार से चाय बनाती है। सो गाइस अब थोड़ी बहुत धूप निकलने लगी है, और पहले तो निकलती भी नहीं थी, अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है शाम को, लेकिन थोड़ी ठंड रहती है। और ये देखिए भैया ने पता है यहाँ पे पाइप लगवाई थी, जो वाटर जो बारिश का पानी जाने के लिए, तो जिसने लगाई थी पाइप ना उसने दीवार के बाहर निकाल दी थी पाइप, दोबारा से उनको तोड़वा के लगवानी पड़ी। और फूल वगैरह भी बहुत से सूख गए हैं, अब दोबारा से निकलेंगे, दोबारा सारे झड़ जाते हैं ना, अब बसंत तो आने वाली है, बसंत लगी है, फिर निकलने शुरू हो जाएंगे। और आज कितनी सारी चिड़ियाँ हैं ये देखो, वहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है, उधर भी पेड़ पे है। ये गाइस गली में एक मांगने वाला आया हुआ है, अब इसको देख सकते हो, अच्छा भला है, बट फिर भी के टाइम में बहुत से ऐसे लोग देखेंगे जिनके सही बेचारों के कईयों के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, फिर भी अगले काम करते हैं, बट ना
बट कुछ लोगों का नहीं होता, वो लोग मांग के ही उनको सही लगता है। सो गाइज, मैंने ना अखबार में नमक लपेट के रखा था और मम्मी ने मेरे से पूछा ये क्या लपेट के रखा है, तो मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा हाँ वो कुछ रखा है, मैंने कहा ऐसे लपेट के रखा है, और मैं फिर मेरे दिमाग से निकल गया, मैं छत पे चला गया, नीचे आया, मैं सामान सुन अपना रख रहा था कि चलो दुकान के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लो, वो देखा मैंने कागज है ही नहीं, मैंने कहा मम्मी किधर गया, मम्मी कहते मैंने बोर्ड में फेंक दिया। इसीलिए कभी भी आपकी मम्मी कुछ पूछे तो पूरा बताओ, ठीक है ना। मेरे को दोबारा रखना पड़ा और ये मेरा सामान सो इसमें मैंने डाल दिया, और बस टाइम होने वाला है, मैं जाने वाला दुकान, मिलता हूँ आपको दुकान पे। सो गाइस, मैं पहुँच गया दुकान और मैंने सारा सामान सुमन सेट कर लिया है। रुको मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ दुकान अपनी कहाँ पे है, मतलब कैसी है। दिस इज़ माई शॉप, अभी छोटी सी दुकान ली है और ये सारा सामान है, और ये आप देख सकते हैं शॉप बाहर से पूरी जड्डा, तो बस यही है, और सामान सुमन सारा टिका दिया मैंने। हमने कबूतर पता नहीं लड़ रहे हैं कि खेल रहे हैं, खेलने देते, डिस्टर्ब नहीं करते। वो एक्टिवा तो मैं उधर करना भूल ही गया, दुकान के बाहर ही लगी हुई है। जहाँ पे मैं एक्टिवा लगाता था ना, तो आज बगल वाले दुकान वाले ने वहाँ पे अपना स्कूटर लगा दिया, तो मैंने उसके साथ ही में खड़ा कर दिया, क्योंकि साथ में क्या नाम है टेम्पो भी खड़ा हुआ ना, तो टेम्पो वाला जब जाएगा तब मैं अपनी एक्टिवा फिर आगे कर दूँगा। आँख में पता नहीं क्या चला गया यार। देख सकते हैं ये ना, यहाँ पे कबूतर का वो पड़ा है, क्या बोलते हैं उसको, कबूतर का घोंसला, ये दुकान के ऊपर लगा हुआ था यहाँ पे, तो दुकान वाले ने आज तोड़ के नीचे फेंक दिया। वैसे मेरे को बुरा लगा, बट क्या कर सकते हैं, उसकी दुकान है, वो कुछ भी कर सकता है। सुबह 9 बज चुके हैं और मैं शॉप पे मस्त टांगे फैला के बैठा हूँ, कस्टमर कस्टमर काफ़ी आए और चले भी गए, रोकता नहीं हूँ ना, रोक के क्या करना, आते हैं खाते हैं चले जाते हैं, रोक लूँगा तो क्या फ़ायदा। सुबह अभी 9 बज रहे हैं और बस बैठा हुआ था, कस्टमर कस्टमर आए चले गए, अभी बताया ना मैंने, हाँ बस वैसे ही, और थोड़ा और इंतज़ार कर रहा हूँ, 9 बजने वाले हैं, मतलब अभी पूरे बजे नहीं है, 10 बजे तक बैठूंगा, फिर 10 बजे मैं दुकान अपनी बढ़ा देता हूँ, फिर 10 बजे घर चला जाता हूँ, और फिर उसके बाद क्या है भाई, घर पे भी टांगे पसार के फिर लेट जाता हूँ, फिर टांगे पसार के लेट जाओ, फिर फिल्म देखो और डिनर डिनर करो, फिर लेट जाओ, बस फिर यही है, फिर लेट जाओ, फिर फिल्म देखो, गेम खेल लो थोड़ी, फिर उसके बाद सो जाता हूँ, फिर सुखाया जल्दी नहीं उठता, जल्दी नहीं उठता, मम्मी उठ जाते हैं जल्दी, और आधी तैयारी मम्मी कर देते हैं, फिर मैं उठता हूँ आराम से, फिर देर से 10:30-11 बजे तक, मम्मी डेली गालियाँ देते हैं मेरे को कि उठ जा, बड़ी स्लीपिंग हैबिट ख़राब है, बड़ी सही बता रहा हूँ यार, कोई तरीका तो बताना जल्दी उठने का, ऐसे बड़े तरीके, इवन कि मैंने अलार्म भी लगा के रखा है, अलार्म बजता है बंद करके फिर सो जाता हूँ, तो बस यही ऐसे रोकता हूँ, फिर आधी तैयारी मम्मी कर देते हैं, आधी तैयारी मैं करता हूँ, फिर तैयारी करके फिर शॉप खोल देता हूँ, बस यही रूटीन कर रहा है अभी, तो कुछ नवा तो हो नहीं रहा, थोड़ा घूमने घामने का बहुत मन कर रहा है यार, बट सोचते हैं, मिलता हूँ थोड़ी देर में, बाय।
तो गाइस फाइनली घर आ गया और आज तो लेट हो गया। देखो 11 बज गए, ऐसे एक लग रहा है ना इसमें एक लग रहा है। तो 11 बज गए और अभी आया। एक्चुअली जब मैं दुकान पर आने के आधे घंटे पहले, 10 बजे बढ़ानी थी, आधे घंटे पहले कस्टमर कस्टमर आ गए, तो मैं उसमें थोड़ा बिजी हो गया, आज थोड़ा टाइम लग गया। चलो अच्छा ये कस्टमर कस्टमर आ गए, पैसा पूसा बन गया। और अभी मैं बस जा रहा हूँ बाहर, वंश से मिलाता हूँ आपको और हम लगाएंगे रेस। सो गाइस मीट वंश। अब मेरी और वंश की होने जा रही है रेस। चलिए चेक करते हैं कौन जीतता है। हाँ, तो कौन रिकॉर्ड करेगा? तो कहाँ तक जाना है? हाँ, वो कहाँ तक जाना है, कार से लेके आता कहाँ? ये वो वाली कार पर ना। चलो चलो, रुकी रुको रुको रुको, हाँ रुकी रुको। कौन जीता? वीडियो में चेक करने को। कौन जीता? पता नहीं कौन जीता। तो गाइस वन जीत गया रेस और मैं हार गया। कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे फिर कभी और वंश को हराएंगे। बट आज तो जीत गया। ये समझ भी नहीं आया, जब पहले रेस की, पहले जब रेस किया था पापा ने, रिकॉर्डिंग नहीं की थी उस समय, मैं हार गया था। ठीक है, हारा ही था, आप पहले आ गए थे। जब दूसरी रेस में थका हुआ था तब मैं कैसे जीता? मैं भी थका था ना हैं सब। पहले हमने रेस करी, रिकॉर्डिंग करना भूल गए, फिर दोबारा रेस करी, फिर वन जीत गया। सो गाइस अभी 12 बज रहे हैं और डिनर अभी ख़त्म करके हटाऊँ थोड़ी देर पहले, मतलब 15 मिनट तो हो गए। और फ़ोन की बैटरी हो गई ख़त्म, वो फ़ोन लगाया चार्ज पे, ये देखिए। और मेरी भी बैटरी हो गई लो। अब फ़ोन को चार्ज करते हुए थोड़ा चलाऊँगा और अपने आप को थोड़ा चार्ज करूँगा साथ साथ में फ़ोन चलाते हुए, आराम से पैर पसार के लेट के। और फिर ये वीडियो भी एडिट करूँगा जो ब्लॉग बनाया आज का, और फिर ये ब्लॉग कल आएगा और कल आप लोग देखोगे। तो मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलेगा, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और इंटरेस्टिंग ब्लॉग ऐसे ही आते ही रहेंगे। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस। आप अभी भी हो? गए नहीं? जाइए।